तो आपने ये कहा कि मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रही मोहल्ला सख्त जईफ रावी है, क्या ये बात सही है? तो यहाँ वो कज़्ज़ाब है जी। क्या नहीं, आपके यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ। क्या क्या मैंने तब कहा कि हमारे यहाँ कज़्ज़ाब है? मैंने ऐसा कहाँ पर कहा भाई? अच्छा तो मोहम्मद अगर मुफ्ती आसिफ ने कहा तो वो मुफ्तरी है एक नंबर का। अगर मुफ्ती आसिफ ने कहा तो एक नंबर का मुफ्तरी है वो। सुनो ना, मुफ्तरी तो पूरी तुम्हारी नस्ल है। मैंने कहीं भी नहीं कहा उनसे रिकॉर्डिंग मांग लेना, उनसे रिकॉर्डिंग भीख मांग लेना। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ जो है मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रहमहुल्लाह साहिब मगाज़ी मुतवफ़ा इससे का उनके ताबी सगीर जो है कज़्ज़ाब है। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। अच्छा, मैंने कहा बेरंगियों के नजदीक जो है, मैंने कहा कि बेरंगियों के नजदीक जो है वो कज़्ज़ाब है। मैंने कहा बेरंगियों के नजदीक वो कज़्ज़ाब है और फिर अभी उसका पैर चाट रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी तहकीक के मुताबिक क्या है मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रहमहुल्लाह? क्या है? क्या लगा तुमको उस रावी से? बोलो ना, आपका क्या मौकिफ है उस रावी से? वो सिका है, सिका है, सिका है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक अल मरवाजी रहमतुल्लाह मुतवफा इससे काफी हिजरी में उनको सिका है, ट्रिपल यानी कि हैट्रिक सिका उनके लिए राव दिया है। तो सिका है, सिका है, सिका है। इस कॉल को जो आपके अब्बू जान अल्लामा जुलाई हंसी रहमतुल्लाह ने मजबूरा के अंदर नकल किया। क्या नाम बोले, क्या नाम? अल्लामा जुलाई हंसी रहमतुल्लाह। आप नाम सही बोलो, गधे कहीं के अभी तक नाम तक तुझे बोलने नहीं। कैसा चिंदी चोर है रे तू, ये भी देता है। इसे कहते बौखलाहट, इसे कहते बौखलाहट। मैंने उनके अब्बू जान अल्लामा जलाली हुसैन रहमतुल्लाह को मैंने दिखा दिया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक अल मरवाजी रहमतुल्लाह ने मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रहमतुल्लाह साहिब अल मगाज़ी मुतवफ़ा इससे 51 हिजरी को सिका 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 कहा है। लाओ सनद, लाओ 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 सनद, लाओ सनद, लाओ। सुनो सुनो, लाओ 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 लाओ, एक मिनट एक मिनट, लाओ 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 सुनो, तुम लोग कायल हो? लाओ सनद लाओ, सनद के कायल हो? ये बेकार की बात है ना सनद। तुम लोग तो मुअम्मल पर, मुअम्मल पर जो है इमाम बुखारी के जरा पेश करते हो, सनद वहाँ पेश करते हो। सुनो, इसके ऊपर मैं जवाब, यहाँ पर दोगला बन गए, जवाब दूँ? यहाँ पर दोगला बन गए, जवाब दूँ? मुअम्मल बिन इस्माइल रहमतुल्लाह पर जो अभी बिरा राजी रहमतुल्लाह की जरा पेश करते हो, सनद यहाँ पर दोगला बन गए। तेरे बाप के घर से जवाब, हंसी ने अबू हनीफा गैर मुकल्लिद रहमतुल्लाह पर जो सनद पेश करते यहाँ पर दोगला बन गए। रुक रुक रुक, दोगला तुम लोग बनते क्यों यार? आने की तकती सुनी थी, दोगला बनते रिकॉर्डिंग कर रहे हो, गरीब हो गए। सुन 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 सुन, हवाला सुनेगा? हाँ, तेरे बाप के घर का हवाला दूँ? तेरे बाप के घर का हवाला दूँ? जाहिर मतलब तेरे बाप ने क्या लिखा है वो बताऊँ? कौन सी किताब भाई? तेरे बाप के घर की किताब दे रहा हूँ। कौन सी किताब है? तेरे मसलक की तुझे किताब का इल्म नहीं है? तेरे मसलक का तुझे मालूम नहीं? किताब का नाम तो पहले बता, बेवकूफ़ आने की चट्टी सुनने वाले। हाँ, मैं तुझे किताब का नाम बता रहा हूँ, भौंकना बंद कर दे। भौंकना तुम लोग क्या है? तुम लोग सुअर से बदतर, कुत्ता से बदतर हो, तो कुरान है मुझे कि तू सुअर से भी बदतर। चलो 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 चलो, किताब का नाम बताओ। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, रुक रुक रुक, अभी रुक, रो मत रो मत। ये लीजिए सामने, ऐसे ऐसे जो है इंजाज जबंदी के नाने की टट्टी सुन करके आते हैं, फोन करते हैं और वक्त जो है बर्बाद करते हैं। बताओ, सुन सुन सुन, पति नहीं है अभी? ये नाम है किताब का, नाम है अनवारुल बदन, बदर फी वदैन अल सदर। ठीक है, जजिया रहमतुल्लाह किताब है। मुसन्निफ का नाम है फजीलतु शेख अबू फौजान किफायतुल्लाह जी। ये लिखते हैं, अलबत्ता ये नाकारा यहाँ एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि अल्लामा मिज़दी रहिमहुल्लाह हूँ, अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह हूँ, या अल्लामा ज़हबी रहिमहुल्लाह हूँ, अगर वो मुतकद्दिमीन से कोई नक़्द व जरह नकल करे या किसी की तौसीक नकल करे और उनके ये अकवाल अगर उनकी मुतदाविल किताबों में नहीं मिलते तो बिला वजह उनसे इनकार दुरुस्त नहीं है। हिंदी चोर, इनकार दुरुस्त नहीं है, तो इनकार नहीं कर सकता है। तेरे बाप ने लिखा है, सुना? तेरे बाप ने लिखा, बोलता है वाला भेजू पर्सनल पे? भाई हम तो उनके मुकल्लिद हैं। लो भाई, रद्द हो गया, रद्द हो गया। लो भाई, हम उनके मुकल्लिद नहीं है, ठीक है भाई? हम किसी एक मौलवी की सारी बात नहीं मानते हैं। तुम लोग अबू हनीफा गैर मुकल्लिद की सारी बात नहीं मानते, हमें किसी मौलवी साहब की ऐसा सारी बात मान ले? हेलो भाई, सभी लोग भाई, तेरा बाप। हाँ बोलो, तुम फोन किए थे जाहिद भाई, शुरू करें बात। टॉपिक क्या है? टॉपिक वही मुअम्मल बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। मुअम्मल बिन इस्माइल रहमतुल्लाह। जी जी, अच्छा 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 जी, बताइए जी।
मेरा ये दावा है कि मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है, जो आपने जरा पेश की थी, तो पहले उसी पर क्लियर कर लेते हैं कि क्या आप सैयदुल फुकहा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह को शैतान मानते हैं? अबू हनीफा गैर मुकल्लिद रहमतुल्लाह, आप इमाम अबू हनीफा भाई उनको जो है मुतफ़क़ा इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद रहमतुल्लाह को जो है हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह मुतफ़क़ा इमाम ने उनको शैतान कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? आप मानते हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपका क्या मौके पर, आप क्या कर रहे हो? जो कहना उनको कहो, मैं तो सिर्फ नाम, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या मानते हो? बात वाज़ेह करें ना, बात वाज़ेह करें। देखिए इस तरीके से छुपाने से शियों वाली हरकत से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल छुपा है, बिल्कुल। जैसे जाहिद भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कुछ हो तो मैं मेरा वाकिफ जाहिर करूंगा ना। एक नहीं, आपने तो, देखें जाहिद भाई, आप फिर जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज आपको पेश की कि आपने सैयदुल फुकहा के ऊपर एक जरा पेश की, ठीक है, उसकी सनद के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो पेश किया, क्या आप उसको मानते या नहीं मानते, ये मैं पूछना चाहता हूँ। देखो भाई, मेरा काम है जो है हकायक से आशना करना है, ठीक है? हकायक ये आवाम के सामने, अब मेरी बात मानते या नहीं, मैं आवाम के सामने, आवाम के सामने जो है मैं बात को पेश करता हूँ कि देखो भाई, मुतफ़क़ा इमाम हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह ने अबू हनीफा गैर मुकल्लिद को जो है जो आप मानते हो ना, यानी आप पेश जो किया आपने, ये लो भाई सुनो जाहिद भाई, इनको जो है शैतान कहा है जी, तो आपने क्यों पेश किया? फरमाते हैं कि इस उम्मत में अबू हनीफा से ज्यादा नुकसान दे और कुछ पैदा नहीं हुआ है। दूसरे पर मत जाओ, इमामदारों को नहीं रहमतुल्लाह फातिम फरमाते हैं कि अबू हनीफा जो ज़ईफ है, अबू हनीफा गैर मुकल्लिद इमामदारों को नहीं रहमतुल्लाह ज़ईफ कहा है, अबू हनीफा गैर मुकल्लिद रहमतुल्लाह को इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने तर्जमा किया है। तो भाई सुनोगे, मेरा काम है सिर्फ दिखा देना, पैसा आवाम करे। नहीं सुनोगे क्या? हाँ बताओ। मैं ये कह रहा हूँ जाहिद भाई, जो आपने स्क्रीन पेश किया है, मैं उस पर आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मैं हकाइक को लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, तो आपने इसको हक मान करके भेजा होगा ना? हाँ। तो यानी कि ये जरा साबित है, आप इसको सही मानते हो? भाई मेरा काम है दिखाना, फैसला तो आप क्या कहते हो? देखो आवाम की तरह छुपा रहे हो, आवाम कर, मैं फैसला आवाम पर छोड़ता हूँ। रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ठीक, छोड़ो, आपसे बिल्कुल नाचना है, जान लीजिए कि मुतफ़क़ा इमाम हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह ने अबू हनीफा गैर मुकल्लिद को जो है शैतान कहा है, अबू हनीफा शैतान, कि अबू हनीफा पक्का पक्का शैतान था। उसके बाद जो है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस उम्मत में अबू हनीफा से ज्यादा और कोई सामने पैदा नहीं हुआ है। दूसरी तरह इमाम अहमद ने हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो सुनत से साथ नकल करता है, उस्तुतीबा अबू हनीफा मिन अल-कुफ्र मरतैन, कि अबू हनीफा गैर मुकल्लिद से जो है कुफ्र से दो मरतबा तबाउन से करवाया गया है। इसी तरह इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह ने उनको जरा किया। इसी तरह मुझे बोलने दोगे? बोलो। देखें आपने एक जरा पेश किया मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह के ऊपर, जाहिर भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दो दो मिनट की टर्न रहेगी, ठीक है, देख लेना आप। तो आपने उसमें मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से ये कहा है कि हम्माद इब्न सलमा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह शैतान थे, ठीक। तो मेरा ये दावा है कि इस सनद को पूरी ज़ुर्रियत अहले हदीस मिलकर के पूरी नस्ल को, सबको, मुर्दे को उखाड़ दो, फिर भी सनद को सही साबित नहीं कर सकती। इसके ऊपर मेरा ये दावा है कि मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह इंदल जुमहूर मुहद्दिसीन और मुहद्दिसीन की तहकीक से ज़ईफ रावी है, ठीक है। इसके ऊपर मेरी दो दो मिनट की टर्न शुरू होगी, ठीक है। ये मेरे पास अहादीस मुअल्लला है, इसके अंदर में लिखते हैं मुअम्मल इब्न इस्माइल वह हुआ ज़ईफुन, ठीक है, कि मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ है। ये मेरे पास तहजीबुत तहजीब इब्न हजर अस्कलानी शाफी रहमतुल्लाह अलैह की है, वो कहते हैं कि कसीरुल खता, बहुत ज्यादा गलती करते थे मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। ये मेरे पास किताब सुनुल कुबरा बैहकी इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह की है, ये फरमाते कि मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह कसीरुल खता, बहुत ज्यादा गलती करते थे। इसी तरीके से ये मेरे पास किताब अल जर्ह व तादील, ठीक है, इसमें फरमाते हैं कि ये दोनों जो हैं, मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में सवाल हुआ है और हुज़ैफा के बारे में, तो फरमाया कि फी कुतुबिहिमा खतउन कसीर, बहुत ज्यादा गलती है इन दोनों की। अच्छा, सुनन कुबरा बैहकी से मैंने हवाला दे दिया था, और उसके बाद में ये मेरे पास किताब है अत-तनकील, इसमें लिखते हैं कि ज़ाफ़हुमुल अक्सरून, कि मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह को
अक्सर लोगों ने ज़ईफ़ करार दिया है। सही इब्ने खुज़ैमा का मेरे पास हवाला है, इसमें लिखते हैं कि जो मुअम्मल रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है, लिखते हैं कि इस्नादुहु ज़ईफ़ुन लिअन्ना मुअम्मलन व हुवा इब्न इस्माइल सय्युल हिफ़्ज़। ठीक है कि इसकी सनद ज़ईफ़ है क्योंकि मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ़ है। जब मेरी टर्न 2 मिनट हो जाएगी ज़ाहिद भाई तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये मेरे पास किताब है यहिया बिन मईन अलहनफी रहमतुल्लाह अलैह की, इसमें 3 लोगों के बारे में बोलते हैं, सफ़ा नंबर 114 है। फरमाते हैं कि यहिया बिन आदम और अबू हुज़ैफ़ा वला मुअम्मल, ये तीनों हुज्जत नहीं है। ये यहिया बिन मईन अलहनफी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे पास किताब है सईद इब्न हिब्बान, ये फरमाते हैं कि इस्नादुहु ज़ईफ़ुन मुअम्मल इब्न इस्माइल सय्युल हिफ़्ज़, मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह सय्युल हिफ़्ज़ है। इस तरीके से मेरे पास किताब है अबकारुल मिनन, ये गैर मुकल्लिद की किताब है। ये लिखते हैं कुल्तु सल्लमना अन्ना मुअम्मल इब्न इस्माइल ज़ईफ़, कि मैं इस बात को हम तस्लीम करते हैं अहले हदीस के मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ़ है। ठीक जी, ये मेरे पास किताब है सुनन अबी दाऊद, इसकी तहकीक करते हुए लिखते हैं, ये तो दूसरा, ये तो मोहम्मद इब्न इसहाक के बारे में है, तहजीबुल कमाल फी असमाई रिजाल, ये अल्लामा मिज़दी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसमें लिखते हैं कि इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुदूकुन, अरे घर से फोन आ रहा, कसीरुल खता वकाल अल-बुखारी रहिमहुल्लाह तआला मुनकरुल हदीस, के मुअम्मल इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह मुनकरुल हदीस थे। ठीक है, ये मेरे पास किताब है सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ, उसके अंदर में मुअम्मल को जिक्र फरमाया है, कहते वल मुअम्मल हाज़ा ज़ईफ़ुन लिसू हिफ़्ज़ी, मुअम्मल का मतलब मेमोरी जो थी वो फेल थी मुअम्मल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक जी, मेरा 2 मिनट देखते रहिएगा ज़ाहिद भाई। हेलो।